गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। हम लोग कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर कोर जावा सीरीज, पाइथन सीरीज, जैंगो सीरीज एंड स्विंग। तो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। इन सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू सीरीज दैट इज रिलेटेड टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजिंग जावा एंड इट इज जावा एफएक्स। जावा एफएक्स के थ्रू हम लोग कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ें अब हम इस सीरीज में सीखेंगे। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? अगेन, एक ऐसा इंटरफेस जिसके थ्रू यूज़र अपने सिस्टम से इंटरैक्ट करता है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे आपने कैलकुलेटर ओपन किया, अगेन ठीक है, तो जो आपके पास विंडो बन के आती है वो चीज़ क्या है? एक इंटरफेस है। ऐसे ही आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे कि आपने ओपन किया एक्लिप्स का ही सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, तो जो आपके पास विंडो बन के आती है उसी के थ्रू आप अपने सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर क्या कहलाएगी? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग जावा? तो मैंने आपको लास्ट सीरीज में भी बताया था कि यूजिंग जावा वी हैव थ्री ऑप्शंस, दैट इज़ AWT, स्विंग एंड जावा एफएक्स। ये तीन ऑप्शन है हमारे पास जिसके थ्रू हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जावा। तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्विंग को। स्विंग वैसे कंपनीज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ नहीं होता है, बट ये पार्ट था सिलेबस का कुछ स्टूडेंट्स के, बीटेक एंड बीसीए स्टूडेंट्स के, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया था। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ जावा एफएक्स सीरीज। तो आज से हम लोग ये जावा एफएक्स सीरीज ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि अगर आपको जावा एफएक्स का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐप क्रिएट करनी है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कौन सा मॉड्यूल डाउनलोड करना होगा। तो मैं एक्लिप्स यूज़ करूंगी, फिर से जो IDE है वो एक्लिप्स ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक्लिप्स पर आप जावा एफएक्स के प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, उसके मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करेंगे, आज मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्लिप्स अपने सिस्टम में। तो एक्लिप्स को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ये मैंने बताया था जब हमने जावा पढ़ा था, जावा सीरीज पढ़ी थी। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से एक्लिप्स का डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन वहाँ से देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर अपने पास एक्लिप्स इंस्टॉल कर लें, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें क्या करना है, जावा एफएक्स को इंस्टॉल करना है अपने एक्लिप्स पर। तो उसके लिए आप जाएंगे हेल्प में, हेल्प के बाद आप जाएंगे इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर वर्क विद में एक आपको वेबसाइट लिखनी है, दैट इज़ http://efxclips/updates-released/1.2.0/site/। ये वेबसाइट है जहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, जावा एफएक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। पैकेजेस आ गए हैं EFX Eclipse एंड EFX सिंगल कंपोनेंट, तो हम इन दोनों को ही इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट, इन दोनों को हमें इंस्टॉल करना है, दोनों पैकेजेस को। तो ये थोड़ा सा टाइम देगा, सो यू विल हैव टू वेट। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द टर्म्स, फिनिश। सो ये देखिए, यहाँ पर साइड में, राइट हैंड साइड में नीचे की साइड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर आपके पास आता है, लेट इट फर्स्ट फिनिश, और उसके बाद हम एक्लिप्स को रीस्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए अपने आप आ गया, यू विल नीड टू रीस्टार्ट एक्लिप्स, रीस्टार्ट नाउ। सो एक्लिप्स रीस्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है या फिर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जावा एफएक्स में, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल पर, न्यू पर जाएंगे और क्लिक करेंगे हम प्रोजेक्ट पर। तो ये देखिए, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया है जावा एफएक्स का। अगर आपने जावा एफएक्स को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो बट हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास इसका ऑप्शन आ रहा है जावा एफएक्स। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे जावा एफएक्स प्रोजेक्ट पर, नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, तो लेट सपोज एग्जांपल 1 करके हमने इसका नाम लिख लिया, एग्जांपल 1 एंड फिनिश। तो ये देखिए, पैकेज एक्सप्लोरर में एग्जांपल 1 करके हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो आप अगर ध्यान दें तो जावा एफएक्स की जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ऊपर एक्स लिख के आया हुआ है,
एंड जो जावा के सिंपल प्रोजेक्ट में ऊपर जे लिखा है, तो ये इनको आप ऐसे करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल वन को मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया, तो SRC फोल्डर में एक फोल्डर है हमारे पास एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन फोल्डर में हमारे पास main.java एंड application.css ये दोनों फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट बनकर आई हैं। तो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या इनका यूज़ है और आप किसी छोटी सी ऐप को कैसे बना सकते हैं यूजिंग JavaFX। हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। हम लोग कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर कोर जावा सीरीज, पाइथन सीरीज, जैंगो सीरीज एंड स्विंग। तो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, इन सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू सीरीज दैट इज रिलेटेड टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजिंग जावा एंड इट इज JavaFX। JavaFX के थ्रू हम लोग कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ें अब हम इस सीरीज में सीखेंगे। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? अगेन, एक ऐसा इंटरफेस जिसके थ्रू यूज़र अपने सिस्टम से इंटरैक्ट करता है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे आपने कैलकुलेटर ओपन किया, अगेन ठीक है, तो जो आपके पास विंडो बन के आती है वो चीज़ क्या है? एक इंटरफेस है। ऐसे ही आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे कि आपने ओपन किया एक्लिप्स का ही सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, तो जो आपके पास विंडो बन के आती है उसी के थ्रू आप अपने सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर क्या कहलाएगी? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इस चीज को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग जावा? तो मैंने आपको लास्ट सीरीज में भी बताया था कि यूजिंग जावा वी हैव थ्री ऑप्शंस, दैट इज AWT, स्विंग एंड JavaFX। ये तीन ऑप्शन है हमारे पास जिसके थ्रू हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जावा। तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्विंग को। स्विंग वैसे कंपनीज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ नहीं होता है, बट ये पार्ट था सिलेबस का कुछ स्टूडेंट्स के, बीटेक एंड बीसीए स्टूडेंट्स के, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया था। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ JavaFX सीरीज। तो आज से हम लोग ये JavaFX सीरीज ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि अगर आपको JavaFX का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐप क्रिएट करनी है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कौन सा मॉड्यूल डाउनलोड करना होगा। तो मैं एक्लिप्स यूज़ करूंगी फिर से, जो IDE है वो एक्लिप्स ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक्लिप्स पर आप JavaFX के प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, उसके मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करेंगे, आज मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्लिप्स अपने सिस्टम में। तो एक्लिप्स को कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ये मैंने बताया था जब हमने जावा पढ़ा था, जावा सीरीज पढ़ी थी। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से एक्लिप्स का डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन वहाँ से देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर अपने पास एक्लिप्स इंस्टॉल कर लें, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें क्या करना है, JavaFX को इंस्टॉल करना है अपने एक्लिप्स पर। तो उसके लिए आप जाएंगे हेल्प में, हेल्प के बाद आप जाएंगे इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर वर्क विद में एक आपको वेबसाइट लिखनी है, दैट इज़ http://efxclips/updates-released/1.2.0/site/। ये वेबसाइट है जहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, JavaFX को इंस्टॉल करने वाले हैं। पैकेजेस आ गए हैं EFX Eclipse एंड EFX सिंगल कंपोनेंट, तो हम इन दोनों को ही इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट, इन दोनों को हमें इंस्टॉल करना है, दोनों पैकेजेस को। तो ये थोड़ा सा टाइम देगा, सो यू विल हैव टू वेट। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द टर्म्स, फिनिश। सो ये देखिए यहाँ पर साइड में, राइट हैंड साइड में नीचे की साइड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर आपके पास आता है, लेट इट फर्स्ट फिनिश, और उसके बाद हम एक्लिप्स को रीस्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए अपने आप आ गया, यू विल नीड टू रीस्टार्ट एक्लिप्स, रीस्टार्ट नाउ। सो एक्लिप्स रीस्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है या फिर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है JavaFX में, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल पर, न्यू पर जाएंगे और क्लिक करेंगे हम प्रोजेक्ट पर। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया है JavaFX का। अगर आपने JavaFX को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा।
तो बट हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास इसका ऑप्शन आ रहा है जावा एफएक्स। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे जावा एफएक्स प्रोजेक्ट पर, नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, तो लेट सपोज एग्जाम्पल वन करके हमने इसका नाम लिख लिया, एग्जाम्पल वन एंड फिनिश। तो ये देखिए पैकेज एक्सप्लोरर में एग्जाम्पल वन करके हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो आप अगर ध्यान दें तो जावा एफएक्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ऊपर एक्स लिख के आया हुआ है, एंड जो जावा के सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जे लिखा है। तो ये इनको आप ऐसे करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल वन को मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया, तो SRC फोल्डर में एक फोल्डर है हमारे पास एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन फोल्डर में हमारे पास main.java एंड application.css ये दोनों फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट बनकर आई हैं। तो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या इनका यूज़ है और आप किसी छोटी सी ऐप को कैसे बना सकते हैं यूजिंग जावा एफएक्स। हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि सीन बिल्डर को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड अपनी जावा एक्लिप्स IDE के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है यूजिंग सीन बिल्डर तो आप कैसे उसको क्रिएट करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको आज बताऊंगी कि सीन बिल्डर का बेसिकली यूज़ होता क्या है एंड उसको कैसे यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फाइल पर जाएंगे, न्यू में जाएंगे, प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे जावा एफएक्स प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे, तो हम लोग इसका नाम ले लेते हैं एग्जाम्पल टू एंड देन फिनिश। अब इस एग्जाम्पल टू में देखिए अगेन हमारे पास SRC फोल्डर है जिसमें एप्लीकेशन पैकेज में हमारे पास यहाँ पर दो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स क्रिएट हैं, main.java एंड application.css। तो मैं अभी आपको इसमें यहाँ पर क्या बताने वाली हूँ बेसिकली कि आप जो हमने FXML फाइल क्रिएट की थी उसका क्या यूज़ होता है, कैसे आप किसी कंपोनेंट को वहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं, ये चीज़ मेरा आज का पर्पस है। तो इसके लिए एप्लीकेशन पैकेज में मैं एक क्रिएट कर लेती हूँ FXML फाइल, न्यू FXML डॉक्यूमेंट, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं EX2 एंड देन फिनिश। तो EX2 को हम लोग ओपन करेंगे ओपन विद सीन बिल्डर। आप अगर यहाँ पर ध्यान दें तो EX2.FXML में देखिए XML बेस्ड मैंने आपको बताया था एक लैंग्वेज है, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट यूज़ किया गया है एंकर पेन। तो देखते हैं कि एंकर पेन होता क्या है। तो ये मेरे पास देखिए FXML जो मैंने सीन बिल्डर ओपन किया है, ये मेरे पास उसका इंटरफेस आ गया है। ये जो पूरा एरिया है ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, हायरार्की हमारे पास यहाँ पर आती है। हम लोग जो जो कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे अपने फॉर्म पर लगाएंगे, अपने एप्लीकेशन में लगाएंगे, वो सब यहाँ पर हायरार्की में आते जाते हैं। एंकर पेन क्या है, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं एंकर पेन। जितने भी कंपोनेंट्स आप ड्रैग करेंगे वो सब हमारे यहाँ पर एंकर पेन में आएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करती हूँ, एंकर पेन को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देखिए तीन ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, प्रॉपर्टीज, लेआउट एंड कोड। इनका यूज़ जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेआउट। यहाँ पर तो लेआउट में प्रेफ विड्थ एंड प्रेफ हाइट ये दो पैरामीटर्स हैं। तो प्रेफ विड्थ हमें बताता है, जैसे लेट सपोज मैंने रखा 500 और प्रेफ हाइट में मैंने वैल्यू दी 500। तो ये देखिए मेरे पास ये एक विंडो बन के आ गई है, इट्स काइंड ऑफ अ एप्लीकेशन विंडो। जैसे कि स्विंग में हमारे पास था एक जे फ्रेम होता था, उसमें हम सारे कंपोनेंट्स को ड्रैग करते थे, ऐसे ही यहाँ पर अब हमारे पास ये एंकर पेन एक सेलेक्टेड एरिया आ गया है एंकर पेन का, जहाँ पे हम अपने कंपोनेंट्स को रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात आती है कि हमें कोई कंट्रोल जैसे ये ड्रैग करना है, तो मैं एक छोटा सा कोई कंट्रोल आपको यहाँ पर ड्रैग करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं लेबल, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे जहाँ पर भी आपको इसको रखना है आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं इस एंकर पेन में।
इसका साइज़ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर आप ध्यान दें, हायरार्की में एंकर पेन में एक कंपोनेंट आ गया है हमारे पास लेबल। इसको सेलेक्ट कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में अगर आप कुछ भी चेंजेस करने हैं तो यू कैन डू दैट। जैसे कि लेबल की बजाय मुझे रखना है हेलो वर्ल्ड। इसके अलावा फॉन्ट आपको चेंज करना है या टेक्स्ट फिल आपको चेंज करना है, जैसे मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट का जो कलर है वो मेरे पास रहे टेक्स्ट कलर की, जैसे कि यहाँ से तो आ गया हमारे पास साइज़ हो गया हमारे पास, और टेक्स्ट फिल देखते हैं। टेक्स्ट फिल में हमारे पास आ जाएगा कलर आ जाएगा, तो ये मैंने देखिए कलर चेंज हो गया है यहाँ पे फॉन्ट का। इसी तरीके से टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैप, ये हमारे पास सारे के सारे इसके क्या आते हैं, फीचर्स आते हैं, प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब मैं इसको चाहती हूँ एग्जीक्यूट करना, तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम, उसके लिए हमें देखिए क्या करना होगा। अच्छा, पहले एक चीज़ और, इसको आप इस यहाँ पर जो भी चेंजेस करते हैं आपको सबसे पहले उनको सेव करना होगा, तब जाके वो रिफ्लेक्ट होगा आपके पास एक्लिप्स में। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेती हूँ, और अब देखिए मैं जावा पर जाती हूँ ex2.fxml में। देखिए हमारे पास सिर्फ एंकर पेन था, बट अब क्योंकि मैंने लेबल वहाँ पर लगाया है तो यहाँ पर लेबल के लिए जो कोड है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया है। यहाँ पर उसकी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, उसकी हाइट, विड्थ एंड टेक्स्ट, टेक्स्ट फिल, ये सब चीज़ें हमारे पास जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पर आ गई हैं, मेंशन हो गई हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, मैं चाहती हूँ हेलो केवल लिखना, तो मैं वर्ल्ड यहाँ से हटा देती हूँ, कंट्रोल एस मैंने किया और आप देखिए यहाँ पर सिर्फ हेलो आ गया है। तो इस तरीके से आप दोनों जगह से चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए सीन बिल्डर से क्या हुआ, हमारे पास यूज़ करने से हमें ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने जस्ट क्या किया, जो भी कंट्रोल या फिर जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए था उसको हमने यहाँ पर ड्रैग किया, उसके लिए हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली जाके एक्लिप्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आप सीन बिल्डर यूज़ नहीं करते हैं तो ये सारा कोड आपको खुद से लिखना होगा। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सा मेथड आपके पास ईजी है, यूजिंग सीन बिल्डर ज़्यादा ईजी है या फिर विदाउट यूजिंग सीन बिल्डर। अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि एग्जीक्यूट करके क्या होगा हमारे पास। तो अभी मेरे पास देखिए यहाँ पर ब्लैंक पेज आ रहा है। रीज़न क्या है, हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे कहाँ पर, मेन डॉट जावा फाइल में। यहाँ पर देखिए मोस्टली चीज़ें सेम रहेंगी, बस थोड़े से हमें चेंजेस करने होंगे। ये बॉर्डर पेन वाली जो लाइन है इसे हमें चेंज करना होगा। इसको चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पेरेंट रूट इज इक्वल्स टू fxml loader dot load फंक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पास करेंगे पैरामीटर दैट इज गेट क्लास डॉट गेट रिसोर्स और ब्रैकेट में हम लोग पास करेंगे उस fxml फाइल का नाम दैट इज़ ex2.fxml। तो बेसिकली इस लाइन ने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा है, जो fxml फाइल है यानी दिस वन ex2.fxml फाइल जहाँ पर जैसे UI डिज़ाइन क्रिएट किया है उस क्लास को यहाँ पर लोड किया है हमने। तो इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट कंट्रोल F11। तो ये देखिए मेरे पास आउटपुट में आ गया है। तो इस तरीके से कोई भी कंट्रोल का आप यूज़ कर सकते हैं अपने एंकर पेन पर, अपनी एप्लीकेशन पर, इंटरफेस पर। हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको किसी इमेज को यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन पर, चाहे वो आपको किसी बटन पर अप्लाई करनी हो या फिर किसी लेबल पर आपको कोई इमेज लगानी हो या फिर नॉर्मली आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी हो, तो आप उसे कैसे लगाएंगे यूजिंग जावा एफएक्स। तो इसके लिए जावा एफएक्स में हम लोग यूज़ करते हैं एक कॉम्पोनेंट का दैट इज इमेज व्यू। तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट, फाइल न्यू प्रोजेक्ट जावा एफएक्स प्रोजेक्ट, और हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा इमेजेस एंड देन फिनिश। इमेजेस में जाएंगे हम src फोल्डर में, एप्लीकेशन फोल्डर में अगेन टू फाइल्स हमें क्रिएट करनी होंगी। कौन कौन सी, एक तो fxml फाइल और एक हम क्रिएट करते हैं फंक्शन फाइल। तो fxml फाइल का हमने नाम रखा एग्जाम्पल, या फिर हम लोग रख लेते हैं इमेजेस 1 करके इसका नाम रख लेते हैं फिनिश।
इसको मैं ओपन करती हूँ विद सेम बिल्डर। एंकर पेन को सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम देंगे लेआउट में प्रेफ विड्थ एंड प्रेफ हाइट की वैल्यू। प्रेफ विड्थ मैंने दिया 500 और प्रेफ हाइट भी मैंने दिया 500। तो मेरे पास 500x500 का एक एंकर पेन आ गया है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, देखिए कंट्रोल्स में अगर आप जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इमेज व्यू का। अलग से इन्होंने इमेज व्यू एक टूल दिया है, कंट्रोल दिया है। आपको कोई भी यहाँ पर कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिखेगा डायरेक्टली आप जो भी इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं किसी एरिया में, जैसे मान लीजिए आप लॉग इन लॉगआउट का फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर कोई पर्सन की इमेज लगाना चाहते हैं, की लगाना चाहते हैं, इस तरीके कोई भी इमेज आप लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाया, इमेज व्यू लगाया है। इमेज व्यू को मैंने सेलेक्ट किया। अब आप जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इमेज का, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए। और अब अपने सिस्टम में से आप यहाँ पर जो भी इमेज लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए डेस्कटॉप पर मेरे पास पिक्स नाम से एक फोल्डर है, तो इसमें से मैंने एक इमेज सेलेक्ट किया। और देखिए आपके पास आपके एंकर पेन पर आपकी जो भी एप्लीकेशन बनाओगे आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। इसका साइज़ आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंगली आप इसका साइज़ रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो यही है हमारे पास कि अगर आप किसी एरिया में एज अ लेबल भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई बटन है, बटन पर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। तो मैंने एक यहाँ पर बटन ले लिया है। अब इसको पहले हम करते हैं सेव और हम जाते हैं अपने प्रोग्राम पर। तो ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे पास जो इमेज व्यू हमने यूज़ किया है उसकी कोडिंग आ गई है, हमें कुछ नहीं लिखना पड़ा। अब हमें क्या करना है, हमें उस बटन पर भी लगाना है इमेज को, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बटन पे हमें लगाना है इमेज को, तो हमें जो इमेज वाला कोड है वो हमें लिखना होगा इस एलिमेंट के अंदर, जो बटन वाला यहाँ पर एलिमेंट है इसके अंदर हमें कोड को लिखना होगा। क्योंकि इमेज बटन पर इमेज लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली कोई ऑप्शन नहीं है, हम इसके लिए छोटा सा कोड लिखना पड़ता है, और जिसमें से हम आधा कोड ऊपर वाला जो हमने यहाँ पर लिखा है इसमें से हम कॉपी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जो भी इमेज आपको लगानी है उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आना होगा इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरे पास डेस्कटॉप पर एक है ये वाला फोल्डर है, इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर SRC फोल्डर में जाके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ओके, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर इमेजेस में SRC फोल्डर में एक पिक्स नाम से फोल्डर आ गया है, और इसमें देखिए ये तीनों इमेजेस हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये हुआ। सेकेंड अब हमें देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ। ये मैंने क्या किया, स्लैश बटन यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक, अब इस एलिमेंट के अंदर मैं लिखूँगी कोड। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर एक हम टैग यूज़ करेंगे, दैट इज़ ग्राफिक टैग, और इस ग्राफिक टैग के अंदर हम लोग लगाएंगे अब इमेज व्यू। यहाँ से देखिए हम कॉपी कर लेते हैं इमेज व्यू वाला, ये सेम कोड लगेगा। कंट्रोल सी किया मैंने और इस वाले टैग के अंदर मैंने लिखा, बस डिफरेंस क्या आएगा, अब यहाँ पर आपको ये पाथ चेंज करना होगा। ठीक है, तो पाथ चेंज करने के लिए ये स्टार्टिंग वाला हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास अब क्या है, pix.download.jpg वाला है। हम अगर यूज़ करके देखते हैं तो यहाँ पर मैंने पाथ थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सब चीज़ें इमेज व्यू वाली ही रहेंगी। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर अगर कुछ लेआउट में चेंजेस करना चाहते हैं तो मैं ये वाले हटा देती हूँ, यहाँ से ये वाले पैरामीटर्स हटा दिए हैं मैंने। ठीक, इसे करते हैं कंट्रोल एस। और इसके अलावा एक चीज़ और रहती है, main.java में हम लोग जो अभी तक चेंजेस करते आए हैं सर ये वाली लाइन में, वही चेंजेस हम यहाँ पर करेंगे। बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर जो हमारी XML फाइल का नाम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, वो है हमारा images1.fxml। कंट्रोल एस करते हैं और हमने किया इसको एग्जीक्यूट, कंट्रोल F11। ये देखिए हमारे पास ये एप्लीकेशन आ गई है। ये तो हमने लगाया था इमेज व्यू और ये हमने लगाया था बटन पर। अब बटन का देखिए साइज़ ये आया है, आप इसको कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं,
ये हम एडजस्ट करते हैं यहाँ से फिट हाइट एंड फिट विड्थ से। जैसे मान लीजिए मैं इसको कर देती हूँ 50-50, अगर मैं इसको कर देती हूँ 50 एंड इट्स ऑल्सो 50, कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एफ 11 करते हैं, ये देखिए इसका साइज चेंज हो गया। इट मीन्स आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी इसकी विड्थ और हाइट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन की किसी बटन पर इमेज लगाना चाहते हैं या फिर किसी एरिया में आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं यूजिंग इमेज व्यू। बट बटन के लिए हमें एक और टैग लगाना पड़ेगा, दैट इज ग्राफिक टैग। हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉम्बो बॉक्स का यूज यूजिंग जावा एफएक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम जल्दी से क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट, जावा एफएक्स प्रोजेक्ट, और इसका नाम मैंने रखा कॉम्बो। कॉम्बो बॉक्स में SRC में एप्लीकेशन में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं दो फाइल्स। कौन कौन सी फाइल क्रिएट करते हैं हम हमेशा? एक तो FXML फाइल इन ऑर्डर टू क्रिएट द विजुलाइजेशन और यू कैन से द डिज़ाइन व्यू, तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ऐप। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे एक क्लास, फंक्शन नाम की हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे कोड कि एक्चुअली में हमारा प्रोग्राम क्या वर्किंग करने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं ऐप डॉट एफ एक्स एम एल को ओपन करती हूँ विद सीन बिल्डर। एंकर पेन सेलेक्ट किया एंड इसकी जाएंगे हम लेआउट में, प्रेफ विड्थ एंड प्रेफ हाइट को हम सेट करेंगे 500x500। अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स योर चॉइस कि आप क्या साइज रखना चाहते हैं अपनी विंडो का। मैंने रखा है 500x500। इसमें मैं लगाऊंगी कंट्रोल में से हम लोग उठाएंगे क्या कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पर लगाया और इसके साथ ही मैं लगाती हूँ यहाँ पर एक लेबल। कॉम्बो बॉक्स में आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन आपका कहाँ पर शो होगा? लेबल में। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली किसी एप्लीकेशन में इस चीज़ का यूज़ करें कि आप एक कॉम्बो बॉक्स लगाएं उसके डेटा को किसी लेबल पर रिप्रेजेंट करें, इट्स नॉट नेसेसरी। बस इन चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है इन छोटे छोटे प्रोग्राम से कि हमें आइडिया मिलता है कि अगर हमें कहीं पर लेबल लगाना है या कॉम्बो बॉक्स यूज़ करना है तो कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक इन चीज़ों की हमें बस आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉम्बो बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया और मैं जाऊँगी कोड में। कोड में मैंने इसकी एफएक्स आईडी दिया इसको सी और लेबल को मैंने एफएक्स आईडी दिया एल। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और मैं आपको प्रॉपर्टी बताती हूँ। जैसे कि कॉम्बो बॉक्स में अभी हमें क्या करना है, लिस्ट ऐड करेंगे हम इसमें, लिस्ट ऑफ आइटम्स। अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रॉम्प्ट टेक्स्ट का। प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएं तो प्रॉम्प्ट टेक्स्ट का एक ऑप्शन आता है। अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसको हम करते हैं कंट्रोल एस और हम जाते हैं अपने जावा प्रोग्राम पर। ऐप डॉट एफ एक्स एम एल में देखिए कोड आ गया है हमारे पास। अब हम जाते हैं फंक्शन डॉट जावा में। तो आपको अगर ध्यान हो तो जब हमने स्विंग में यूज़ किया था कॉम्बो बॉक्स को, वहाँ पर हमने जब लिस्ट बनाई थी तो वहाँ पर हमने एक क्लास का यूज़ किया था, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट लिस्ट मॉडल का। तो ऐसे ही यहाँ पर जावा एफएक्स में हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेबल लिस्ट का। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंटरफेस का हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ इनिशलाइजेबल। इस क्लास के अंदर हम ऑब्जर्वेबल लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट कॉम्बो बॉक्स को हमने यहाँ पे किया डिक्लेयर। हमने सी यूज़ किया था वहाँ पे एफएक्स आईडी। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पर जो कॉम्बो बॉक्स रहेगा वो रखेगा, कंटेन करेगा स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया। ठीक, यहाँ पर अभी एरर आ रही हैं, इनको हम कर लेते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इनिशलाइजेबल एंड इम्पोर्ट कॉम्बो बॉक्स। अभी एक और एरर है, एड अनइम्प्लीमेंटेड मैथड, येस वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस। तो ये देखिए इनिशलाइज मैथड को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, लिखना होगा इसमें क्या चीज़ आएगी।
अब देखिए, एक तो हमने यहाँ पर दे दिया कॉम्बो बॉक्स को, हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे लेबल को, हम करेंगे डिक्लेयर लेबल एल। एंड एक और चीज़ यहाँ पर आएगी क्या, ऑब्जर्वेबल लिस्ट। तो ये भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखेगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग। इसका नाम लेट सपोज हमने रखा एल वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स कलेक्शन से हम लोग ये डेटा उठाएंगे, एफ एक्स कलेक्शन डॉट ऑब्जर्वेबल एरे लिस्ट। और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे क्या, जो भी डेटा आप ऐड करवाना चाहते हैं अपने कॉम्बो बॉक्स में। तो मैंने दिया जो भी आप डेटा यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। अभी मैंने जस्ट नॉर्मली डेटा ले लिया है यहाँ पर, कि एरर्स को हम लोग पहले रिमूव करते हैं यहाँ से। लेबल को हमने किया इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एफ एक्स कलेक्शंस, इम्पोर्ट ऑब्जर्वेबल लिस्ट। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जस्ट हमने क्या किया है, जो अभी तक हम करते आ रहे थे क्लास में, हमेशा सबसे पहले हम डिक्लेयर करते थे क्या चीज़ें, जो भी हमने एफ एक्स आई डी से ली होती थी। तो ये चीज़ें कॉम्बो बॉक्स और लेबल तो हमारे पास आ गए, सी और एल हमने एफ एक्स आई डी ली थी। एंड इसके अलावा एक और चीज़ हमने यहाँ पर इनिशियलाइज की है, ऑब्जर्वेबल लिस्ट, क्योंकि हम लिस्ट की फॉर्म में डेटा को वहाँ पर ऐड करवा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक जो फंक्शन है, इनिशियलाइज फंक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग इस लिस्ट को ऐड करने की कमांड देंगे। तो हम लिखेंगे सी डॉट सेट आइटम्स और ब्रैकेट में हम लोग पास करेंगे एल वन, कि एल वन में जो हमने डेटा इनिशियलाइज किया है, जो हमने लिस्ट की फॉर्म में डेटा दिया है, वो हम चाहते हैं कि हमारे कॉम्बो बॉक्स में वो ऐड हो जाए। इसको हम करते हैं कंट्रोल एस, मेन डॉट जावा में जाएंगे और वही सेम लाइन हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो ये देखिए सेम लाइन मैंने यहाँ पर ऐड की है, पेरेंट रूट इज इक्वल्स टू, जो अभी तक हम बाकी प्रोग्राम्स में ऐड करते आ रहे हैं। करते हैं इसको कंट्रोल एस, वापस हम जाएंगे ऐप डॉट एफ एक्स एम एल में। अब कंट्रोलर क्लास को पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नहीं आ रही है कंट्रोलर क्लास, तो इसको हम रीस्टार्ट करेंगे ऐप डॉट एफ एक्स एम एल को, ओपन विद सीन बिल्डर। फिर से जाते हैं कंट्रोलर पर और ये हमारे पास आ गई है फंक्शन, क्लास का नाम आ गया है यहाँ पर। ओके, इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। अभी देखिए एरर आ रही है हमारे पास, हमने कुछ मिसिंग है। ओके, हमने इसको एफ एक्स एम एल फाइल से अटैच नहीं किया है, एट द रेट एफ एक्स एम एल। और इसको हम करते हैं इम्पोर्ट, कंट्रोल एस, कंट्रोल एफ एलेवन। देखिए हमारे पास आ गया है, जो हमने लिस्ट में आइटम्स ऐड करवाए थे बीटेक एमटेक पीएचडी, हमारे पास आइटम्स आ गए हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास कॉम्बो बॉक्स में आप आइटम्स को कैसे ऐड करवाएंगे। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैं इसमें से आइटम सेलेक्ट करूँ वो यहाँ पर लेबल पर शो हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे फंक्शन डॉट जावा में एंड हमें एक और फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड, लेट सपोज द नेम ऑफ द फंक्शन इज शो फंक्शन, और एक्शन इवेंट हैंडलर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्शन इवेंट। यहाँ पर हम लोग अब क्या लिखेंगे, हम चाहते हैं कि कॉम्बो बॉक्स में जो भी सेलेक्ट हुआ वो लेबल पर सेट हो जाए। तो हम लिखेंगे तो कौन सा टेक्स्ट सेट होना चाहिए लेबल पर, जो कि कॉम्बो बॉक्स से सेलेक्ट किया गया, यानी कि सी डॉट गेट वैल्यू, जो भी कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू गेट हुई मिली उसको हमने सेट कर दिया लेबल पर एज अ टेक्स्ट, सॉरी इट्स एल। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल F11 किया हमने। अभी एक मिस्टेक रहती है, मैं बताती हूँ आपको क्या मिस्टेक रहेगी। देखिए बीटेक मैंने सेलेक्ट किया तो अभी देखिए लेबल पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। इसका रीज़न क्या है, ऐप डॉट एफ एक्स एम एल में हमने इस कॉम्बो बॉक्स पर कोई भी ऑन एक्शन फंक्शन नहीं लगाया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन एक्शन फंक्शन में शो फंक्शन, और इसको अब हम करेंगे सेव, और अब हम करेंगे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया बीटेक, तो मेरे पास लेबल में क्या वैल्यू आ गई है, बीटेक पीएचडी। तो इस तरीके से आप कॉम्बो बॉक्स को अगर यूज़ करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कॉम्बो बॉक्स में जो वैल्यू सेलेक्ट की गई है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी लेबल में किसी बटन के थ्रू आप वहाँ पर कुछ मैसेज शो करना चाहते हैं या फिर उस डेटा का कहीं पर आगे फर्दर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइल चूजर कंपोनेंट के बारे में यूजिंग जावा एफएक्स,
फाइल चूजर कंपोनेंट होता क्या है, लेट सपोज आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक बटन आपको गिवन होता है, उस बटन पर आप क्लिक करते हैं जिससे आपके पास सिस्टम की विंडो ओपन होकर आ जाती है एंड वहाँ से आप कोई भी फाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वहाँ पर कॉम्पोनेंट यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइल चूज़र कॉम्पोनेंट। तो आप इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, इस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट। फाइल में जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर जावा एफ एक्स प्रोजेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एंड लेट सपोज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ फाइल अंडरस्कोर चूजर फिनिश। फाइल चूज़र में जाएंगे, SRC में, एप्लीकेशन में हमें दो फाइल्स क्रिएट करनी है, वो जल्दी से क्रिएट करती हूँ मैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर दो फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, फंक्शन डॉट जावा एंड ऐप डॉट एफ एक्स एम एल। ऐप डॉट एफ एक्स एम एल को ओपन करते हैं ओपन विथ सीन बिल्डर, और ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम पहले विजुलाइजेशन लगाते हैं कि हमें एग्जैक्टली एप्लीकेशन में अपने चाहिए क्या। उसके लिए पहले एंकर पेन का हम लोग साइज़ डिफाइन करेंगे। तो प्रेफ वेथ मैंने लिया 500 एंड प्रेफ हाइट भी मैंने लिया 500। इसमें मैं लगाती हूँ सबसे पहले तो एक बटन जिसका यूज़ करूँगी मैं किसी भी फाइल को चूज़ करने के लिए, और इसके अलावा एक हम लगाते हैं यहाँ पर लिस्ट व्यू, जहाँ पर हमारे पास जितनी भी फाइल्स हम सेलेक्ट करेंगे उनका जो आएगा पाथ, या फिर आप जो भी वहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं, केवल फाइल का नाम मेंशन करना चाहते हैं या फिर फाइल का पूरा पाथ मेंशन करना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। तो वो चीज़ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, लिस्ट व्यू में। देखिए अभी हमारा पर्पस क्या है, जब भी मैं बटन पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक विंडो ओपन होकर आ जाए सिस्टम की, जहाँ से मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकती हूँ। और लिस्ट व्यू में क्या होगा, जो भी फाइल सेलेक्टेड होगी उसका यहाँ पर पाथ आ जाएगा। हमारा पर्पस ये है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को दे देते हैं एक एफएक्स आईडी। तो सबसे पहले बटन चूज़ किया हुआ है मैंने, इसको मैंने एफएक्स आईडी दी B1 और लिस्ट व्यू को मैंने एफएक्स आईडी दिया LV। इसको हमने किया सेव और हम जाते हैं अब अपने एक्लिप्स आईडी पर। app.app.fxml में ये कोड रिफ्लेक्ट हो गया है, अब जाते हैं function.java में। इसमें सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे fxml फाइल से इनको हम अटैच करना है, तो हम लिखेंगे प्राइवेट बटन B1 एंड एक और हम लोग दे लेते हैं fxml प्राइवेट लिस्ट व्यू LV। इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ध्यान रखिए ये आपको जावा एफएक्स सीन कंट्रोल से इंपोर्ट करनी है। नाउ नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पर एक फंक्शन, तो मैं लिखूंगी पब्लिक वॉइड, लेट सपोज द नेम ऑफ द फंक्शन इज चूज फंक्शन एक्शन इवेंट ई। इसको करते हैं पहले इंपोर्ट। ये हमें यहाँ पर मेंशन करना है फाइल चूज़र, एक क्लास का हम लोग यूज़ करेंगे फाइल चूज़र। इसके लिए हम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेट सपोज R इज इक्वल्स टू न्यू फाइल चूज़र। अब यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है इसका मैं आगे यूज़ करूँगी। सबसे पहले फाइल चूज़र को हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लास का फाइल क्लास का, लेट सपोज S इज इक्वल्स टू, और रेफरेंस वेरिएबल हम यूज़ करेंगे R, जो कि हमने फाइल चूज़र क्लास के लिए बनाया था एक रेफरेंस वेरिएबल जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो R डॉट शो ओपन डायलॉग एक फंक्शन है जो क्या करेगा, जब आप बटन पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन करेगा विंडो को जहाँ से आप कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम पास करेंगे नल। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे इफ़, अगर कोई फाइल यहाँ पर सेलेक्ट होती है, यानी कि इफ़ S is not equals to null, तो हमें क्या करना है। एंड एक और हम लगाएंगे यहाँ पर कि अगर फाइल सेलेक्ट मीन्स S equals to null आता है तो हमें क्या करना है। तो अगर null आता है तो हम लोग जस्ट एक छोटा सा स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नो फाइल फाउंड करके कोई भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फाइल क्लास को हमें इंपोर्ट करना होगा। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, com.sun.java और java.io। तो हमें इंपोर्ट करनी है java.io को।
अब देखिए, अगर फाइल जो जब आपके पास डायलॉग ओपन होके आता है, जो विंडो है आपके पास ओपन होके आती है जहाँ से आपको फाइल को चूज करना है, वो नल नहीं है, हमें उसको ऐड करवाना है लिस्ट व्यू में। तो हम लिखेंगे lv.getItem.addS.getAbsoluteFile। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मुझे जो भी फाइल सेलेक्ट की गई उसका पाथ ऐड करवाना था कहाँ पर, लिस्ट व्यू में। तो वही मैंने लिखा है कि लिस्ट व्यू में जो भी आइटम आएगा उसको हमें ऐड करवाना है। ठीक है, तो मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, कंट्रोल एस मैंने किया, इसको हम क्लोज करके रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले कंट्रोलर क्लास मैं सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोलर क्लास में फंक्शन और बटन पे मुझे एक्शन लगाना है। तो बटन को सेलेक्ट करके आप जाएंगे कोड में, ऑन एक्शन में आप चूज़ करेंगे यहाँ पर चूज़ फंक्शन को। कंट्रोल एस करते हैं और हम जाएंगे अब मेन डॉट जावा ओपन करते हैं। पहले यहाँ पर भी चेंजेस करने हैं, वही सेम चेंजेस होंगे जो अभी तक हम करते आए हैं। सेम लाइन मैंने कॉपी कर दी है, पेरेंट रूट इक्वल्स टू, और यहाँ पर फाइल का नाम, क्योंकि हमने fxml फाइल का नाम क्या रखा है, app.fxml, तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा। इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, बटन पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास विंडो ओपन होके आ गई है। अब यहाँ से आप जो भी फाइल सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप से जाकर टिमेट में एक ही वाली फाइल सेलेक्ट की है, तो ये देखिए मेरे पास लिस्ट व्यू में उस इमेज का एड्रेस आ गया है। ठीक है, पूरा पाथ आ गया है। तो इस तरह से आप फाइल चूज़र कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब मैंने बटन पर क्लिक किया तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो गया है, इट्स अ बाय डिफ़ॉल्ट विंडो। आप चाहें कि कोई पर्टिकुलर फोल्डर की कि जब भी आप बटन पर क्लिक करें तो यही वाली विंडो ओपन होकर आए, तो आप ये भी चीज़ यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, कि आप मल्टीपल फाइल्स को एट अ टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि केवल वर्ड फाइल, जैसे कि हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रेंट होता है कि यू हैव टू जस्ट अपलोड द रिज्यूमे इन PDF फॉर्मेट, तो ये चीज़ को भी, ये सब कंस्ट्रेंट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल एक्सटेंड दिस वीडियो। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अब मैंने GIT हब पर जितनी भी हमारी अब नेक्स्ट कमिंग वीडियोस होंगी सभी के कोर्स को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें कोर्स चाहिए, तो इसलिए मैंने GIT हब पर अपने कोर्स को, जितने भी अब कमिंग वीडियोस आएंगे सभी के कोर्स को वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, आप वहाँ से जाके उनको चेक कर सकते हैं। और GIT हब का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उसको वहाँ से रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू, गुड लक। हे गाइज, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फॉर माई स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेब व्यू का आप यूज़ कैसे करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, जिसको आप JavaFX के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स करते हैं एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम JavaFX प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है। लेट सपोज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेब अंडरस्कोर व्यू फिनिश। इस वेब व्यू में SRC में एप्लीकेशन में अगेन हम दो फाइल्स क्रिएट करेंगे। सो देखिए function.java फाइल क्रिएट कर ली है एक मैंने, और एक app.fxml। तो app.fxml को हम लोग ओपन करते हैं यूजिंग सीन बिल्डर, ताकि हम जो भी हमें एक डिज़ाइन बनाना है अपनी एप्लीकेशन के लिए वो हम बना सकें। तो सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं एंकर पेन का साइज। एंकर पेन को हमने सेलेक्ट किया, लेआउट पर जाएंगे एंड प्रेफ विड्थ एंड प्रेफ हाइट की वैल्यू को हम सेट करेंगे 500x500। अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये यूज़र डिफाइंड है, आप जितना साइज का चाहें रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विंडो ऑफ द सिस्टम। नाउ अब हम जाएंगे कंट्रोल्स में। कंट्रोल्स में हमारे पास ऑप्शन आता है वेब व्यू का, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे दिस वन। इसको हमने ड्रैग करके लेंगे आएंगे अपने एंकर पेन पर दिस वन। इसका साइज आप इसको रिसाइज कर सकते हैं एज पर योर एप्लीकेशन। अब मैं यहाँ पर लगाती हूँ एक बटन। बटन पर मैं जब भी क्लिक करूंगी, इसका मैंने लेट सपोज नाम रखा गूगल, कि भाई आप अगर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो google.com आपके पास ओपन होके आएगा।
ऐसे ही एक और बटन मैंने लगाया, इसका मैंने नाम रखा फेसबुक। तो अगर इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फेसबुक ओपन हो के आएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं, इसको पहले हमने सेव किया और अब हम पहुंचते हैं अपनी एक्लिप्स आईडीई पर। इसमें जाएंगे हम main.java में अगेन सेम चेंजेस होंगे। तो ये लाइन मैंने यहाँ पर लिख ली है, पेरेंट रूट इक्वल्स टू एंड app.fxml हम लोगों की फाइल का नाम है, जो fxml फाइल हमने बनाई है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ध्यान रखिए सेम लाइन, अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनमें हमने सेम लाइन यहाँ पर कॉपी की है, बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इस फाइल के नेम में। मैंने app.fxml में यूज़ कर रही हूँ अपनी fxml फाइल का नाम, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है। आप जो भी नाम अपनी fxml फाइल का रखते हैं यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने किया सेव। अब हम पहुँचते हैं function.java में। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंटरफेस बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स इनिशलाइजेबल, इसको हम करते हैं इम्पोर्ट एंड फंक्शन को हम करते हैं एड अनइम्प्लीमेंटेड मैथड। सबसे पहले हम लोग जाएंगे app.fxml में, हमने इनको कोई fx id नहीं दी है अभी, तो पहले इनको हम fx id देंगे। तो वेब व्यू को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इसकी लेट सपोज fx id मैंने दी w, और गूगल फर्स्ट बटन की fx id हमने दी b1, और सेकंड वाले की fx id मैंने दिया b2। इसको किया सेव और जाते हैं क्लिप्स आई डी ई पर। अब हम यहाँ पर इनको डिक्लेयर करेंगे, fxml प्राइवेट वेब व्यू w। एक यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करेंगे, प्राइवेट वेब इंजन, इसका नाम लेट सपोज हमने रखा ई। जो वेब व्यू हमने कंट्रोलर यूज़ किया है, इसका एक फंक्शन होता है, इसको हम एक्सेस करेंगे, गेट इंजन एक फंक्शन होता है, इसको हमने एक्सेस किया और इसकी वैल्यू को हम असाइन करेंगे कहाँ पर, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ई में, इसमें हम इसको असाइन करेंगे, इसकी वैल्यू को लिखेंगे ई इज इक्वल्स टू। ठीक है, बेसिकली इनका पर्पस क्या है, ये जो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वेब इंजन और जो एक फंक्शन यूज़ किया है गेट इंजन, इसका जस्ट पर्पस है कि जो आप जो इंटरनेट, एक आप इस तरह से कह सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सके, इसलिए हम इनका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने बटन्स लगाए हैं उनकी हम कोडिंग करेंगे कि जब हम बटन्स पर क्लिक करें तो एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो गूगल बटन मैंने यहाँ पर लिया है, तो गूगल पर जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास google.com ओपन होके आ जाए इस एरिया में, फेसबुक पर मैं क्लिक करती हूँ तो facebook.com ओपन होके आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक void, लेट सपोज द नेम ऑफ द फंक्शन इज शो, फर्स्ट फंक्शन का हमने नाम रखा शो, और एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका हम लोग नाम रखते हैं शो वन। अब जस्ट हमें क्या करना है, एक फंक्शन का यूज करना है, दैट इज लोड फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे ई डॉट लोड, ई क्या है हमारे पास, ई में है ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वेब इंजन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जिसमें हमने असाइन किया था क्या, एक फंक्शन को, जो कि किसका पार्ट था, वेब व्यू कंट्रोलर का। तो हम लोग लिखेंगे लोड फंक्शन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर अब हम देंगे एड्रेस, जो भी आप लिंक ओपन करना चाहते हैं। तो हमने लिखा http, सॉरी यहाँ पर मैंने ई लिया हुआ है जबकि ई को मैं एज अ वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है, एफ हम लोग ले लेते हैं। अब हम जाएंगे कंट्रोलर क्लास पर, तो कंट्रोलर क्लास हमारी कौन सी है, फंक्शन। ऐसे ही गूगल को हम क्लिक करेंगे, गूगल में हमें कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है, शो, शो फंक्शन दिस वन, और फेसबुक पर हमें क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है शो वन फंक्शन। इसको हमने किया कंट्रोल एस। कुछ चीज़ें जो ऐड करनी है आपको, जो फंक्शंस हमने लिखे हैं शो एंड शो वन फंक्शन, उसमें आप @fxml लगाएंगे क्योंकि हमें इनकी कनेक्टिविटी करनी है विद द fxml फाइल, एंड बाकी लोड फंक्शन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर लिंक, जो भी आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि http://www.google.com एंड शो वन पे मैं चाहती हूँ facebook.com। ठीक है, आप इसके अलावा जो भी लिंक आप ओपन करना चाहते हैं, विकिपीडिया का कोई पर्टिकुलर लिंक ओपन करना चाहते हैं, अपनी किसी वेबसाइट का लिंक ओपन करना चाहते हैं, तो यू जस्ट हैव टू कॉपी द URL। ठीक है, आपको यहाँ पर उसका URL कॉपी कर देना है बस, और कोई चेंजेस नहीं करने हैं।
और मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है, जो मैं गलती करती हूँ मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो मैं सबसे ज़्यादा मिस्टेक करती हूँ, कि जब जैसे कि यहाँ पर ये शो फंक्शन, सॉरी जैसे कि यहाँ पर लोड फंक्शन था, या फिर यहाँ पर मैंने यूज़ किया था एक्शन इवेंट, हमने यहाँ पर यूज़ किया था, तो ये दोनों में अवेलेबल होते हैं। देखिए मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप ये एरर्स आपके में आए और फिर आप बैठे रहें जैसा कि मैं करती हूँ, वो चीज़ आपके साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि देखिए एक्शन इवेंट हमने यहाँ पर लिखा, अब मैं इसको इम्पोर्ट करूँगी तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, जावा एफएक्स डॉट इवेंट का एंड जावा डॉट AWT का। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे साथ जनरली ये चीज़ होती है कि मैं जल्दी जल्दी में इनमें से कोई सा भी लिंक कॉपी वो क्लिक कर देती हूँ, और जनरली क्या होता है AWT वाला क्लिक हो जाता है, तो मेरे फिर प्रोग्राम में एरर आती रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि हम जावा एफएक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें जावा एफएक्स वाला इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं कंट्रोल एस कंट्रोल F11। तो ये देखिए अगर मैंने गूगल पर क्लिक किया, डबल क्लिक मैंने किया है, तो ये देखिए हमारे पास google.com ओपन होके आ गया है। ऐसे ही मैंने फेसबुक पर डबल क्लिक किया अब, तो मेरे पास फेसबुक ओपन होके आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेब व्यू का यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, कि आप कोई फॉर्म बना रहे हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि यूज़र जस्ट उस बटन पर क्लिक करे और वो पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाए। जैसे कि होता है आप वेबसाइट्स में देखते हैं हमारे पास ऑन एक्शन बटन होते हैं या फिर कॉल वाला बटन होता है, ठीक। तो वहाँ पर आप इस तरीके से वेब व्यू यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लोड फंक्शन का यूज़ किया है, तो लोड फंक्शन के अलावा हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करके होता है और एक एग्जीक्यूट इवेंट करके होता है, रिलोड फंक्शन होता है, बहुत सारे इस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है, बट जो बेसिक यूज़ है, जो बेसिक फंक्शन यूज़ किया जाता है वेब व्यू में, वो है हमारे पास लोड फंक्शन। हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट चार्ट्स। हमारे पास बहुत सारे तरीके चार्ट्स होते हैं वैसे तो, बट जनरली जो यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लाइन चार्ट के बारे में। इसके अलावा अगर आपको किसी और चार्ट के बारे में जानना है, किसी आप चाहते हैं कि मैं उसे वीडियो बनाऊँ, उसकी कोडिंग बताऊँ, कैसे आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एप्लीकेशन में, तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। आज बस मैं आपको कोडिंग बताऊंगी कि लाइन चार्ट को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट लाइन चार्ट के नाम से क्रिएट कर लिया है। इसमें एप्लीकेशन पैकेज में दो फाइल्स मैंने क्रिएट की हैं, function.java एंड app.fxml। main.java में सेम चेंजेस होंगे जो अभी तक हम करते आए थे, इस वाली लाइन को हम जस्ट चेंज कर देते हैं, तो यही सेम लाइन जो अभी तक हम लिखते आ रहे थे सेम एज इट इज़ रहेगी। अब हम चलते हैं app.fxml को ओपन करते हैं यूजिंग सीन बिल्डर। तो ये मेरे पास यूजिंग सीन बिल्डर ओपन हो गया है। एंकर पेन का साइज़ फिक्स करते हैं, तो सेलेक्ट किया मैंने, लेआउट पर जाएंगे, प्रेफ वेथ एंड प्रेफ हाइट की साइज़ हम डिसाइड करेंगे, तो लेट सपोज 1000x1000 हमने रखा इस बार। चार्ट्स में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से हम चूज़ करेंगे लाइन चार्ट को, दिस वन, ठीक है। तो ये जो व्यू आया है ये बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम पहले इसकी FX ID फिक्स कर लेते हैं, कोड में जाकर हम इसकी FX ID, लेट सपोज लाइन चार्ट है तो LC हमने इसका नाम रख लिया है। इसके अलावा आप इसे सेलेक्ट कीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आया है टाइटल का, तो आप इसमें कोई भी टाइटल जिसके लिए भी आप ये चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप इसका टाइटल रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है टाइटल, साइड, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये सभी ऑप्शंस आ रहे हैं, दैट्स अप टू यू कि आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम करते हैं सेव और हम जाते हैं Eclipse IDE पर। तो ये देखिए पहले हम app.fxml में जाते हैं, इसमें आप अगर ध्यान दें तो लाइन चार्ट का जो ये टैग आया है इसके अंदर इन्होंने दो टैग्स और यूज़ किए हैं। फर्स्ट वन इज़ कैटेगरी एक्सेस एंड सेकेंड वन इज़ नंबर एक्सेस। तो नंबर एक्सेस इन्होंने कौन सा लिया है, जो कि लेफ्ट साइड में, दिस वन, इसको इन्होंने बोला है, यानी कि वाई एक्सेस को ये लोग क्या बोल रहे हैं, नंबर एक्सेस, एंड एक्स एक्सेस को इन्होंने क्या नाम दिया है, कैटेगरी एक्सेस। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा function.java में। अब इसमें हम लाइन चार्ट को डिक्लेयर करेंगे,
एट द रेट एफ एक्स एम एल प्राइवेट लाइन चार्ट, और हमने इसके लिए जो एफ एक्स आई डी ली थी वो थी एल सी। पहले मैं इसको करती हूँ इम्पोर्ट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐप डॉट एफ एक्स एम एल में लाइन चार्ट के लिए इन्होंने दो एक्सेस का यूज़ किया है, कैटेगरी एक्सेस और नंबर एक्सेस। तो हमें इनका यहाँ पर यूज़ करना होगा इन ऑर्डर टू इनिशलाइज अ लाइन चार्ट। हमें यहाँ पर बताना होगा कि इस लाइन चार्ट के कौन कौन से एक्सेस हैं। तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ करते हैं कैटेगरी एक्सेस एंड नंबर एक्सेस को भी। तो हम लिखेंगे प्राइवेट कैटेगरी एक्सेस, लेट सपोज को हमने इनिशलाइज किया एक्स से, और ऐसे ही हम यहाँ पर लेंगे नंबर एक्सेस वाई। तो अब हम कोड लिखते हैं इनिशलाइज मेथड में। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे क्लास का, दैट इज़ एक्स वाई चार्ट क्लास, एंड इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे सीरीज करके हमारे पास एक डेटा आइटम होता है, इसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इसके थ्रू बेसिकली इसका पर्पस है यूज़ करने का कि आप एक एक्स वाई चार्ट की फॉर्म में एक सीरीज बना सकें, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई चार्ट डॉट सीरीज। अब यहाँ पर जो हमने रेफरेंस वेरिएबल दैट इज सी का यूज़ किया है, इसके थ्रू हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं गेट डेटा, एंड इसके अलावा एक और यहाँ पर फंक्शन होगा दैट इज ऐड, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे न्यू एक्स वाई चार्ट डॉट डेटा। फंक्शन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और इसके अंदर अब हम पास करेंगे कि हम एक्स एक्सिस पर क्या चाहते हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या वैल्यू चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि एक्स एक्सिस पर मेरे पास आए, हम लोग पेट्रोल से रिलेटेड कर रहे हैं काम यहाँ पर। तो लेट सपोज मुझे चाहिए कि जनवरी में 5 लीटर पेट्रोल का यूज़ किया गया, इस तरीके से मेरे पास कुछ डेटा आए। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन चार्ट था यानी कि एल सी डॉट गेट डेटा डॉट, एक फंक्शन यहाँ पर अगेन यूज़ होगा ऐड, और यहाँ पर हम लोग अब क्या पास करेंगे, जो भी हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल। तो इसलिए हमें एट दी एंड यहाँ पर भी इस लाइन को लिखना होगा कि हम चाहते हैं कि लाइन चार्ट एल सी में ये सारा डेटा ऐड हो जाए। अभी देखिए आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी, पहले मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको किया कंट्रोल एस। अब हम जाएंगे ऐप डॉट एफ एक्स एम एल में, यहाँ पर कंट्रोलर क्लास को चूज़ करना है, तो उसके लिए हमें ऐप डॉट एफ एक्स एम एल को करना होगा रीस्टार्ट। यहाँ पर जाएंगे कंट्रोलर क्लास में, कंट्रोलर क्लास मैंने चूज़ किया, इसमें हम कैटेगरी एक्सेस एंड नंबर एक्सेस इन दोनों के लिए भी हमने एफ एक्स आई डीज दी हैं। तो कैटेगरी एक्सेस को हमने वहाँ पर डिक्लेयर किया था एक्स से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स, और नंबर एक्सेस को हमने डिक्लेयर किया था वाई से, तो इसकी हम एफ एक्स आई डी देंगे यहाँ पर वाई। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर यूज़ होगा ऐड ऑल फंक्शन, इसको कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पर हम अब करते हैं कंट्रोल एफ 11। तो ये देखिए मेरे पास 1 पर मैंने कितना वैल्यू दिया था, 5 लीटर्स आई थिंक दिया था, यस 5 लीटर्स। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है 5। यहाँ पर आप कुछ और वैल्यू रखना चाहते हैं, लेट सपोज मैंने रखना था जैन रखा था मैंने शायद पहले, फिर से हम इसको जनवरी कर देते हैं। कंट्रोल एफ 11 मैंने किया, ये देखिए जनवरी पर मेरे पास पेट्रोल की खपत कितनी आ गई है 5 लीटर। अब हम इसमें क्या करते हैं, और डेटा ऐड करते हैं, और डेटा ऐड कर लिया है, सेम लाइन लिखी है, बस यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स चेंज कर दिए हैं, जैसे कि फरवरी में लेट सपोज 10 लीटर खपत हुई, और मार्च में 25, अप्रैल में 50, और मई में लेट सपोज 51। इसे कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एफ 11 करते हैं, तो देखिए हमारे पास लाइन चार्ट में क्या चेंजेस आएंगे। ये देखिए हमारे पास लाइन चार्ट आ गया है, जनवरी में 5 लीटर, फरवरी में 10, मार्च में 25, अप्रैल में 50 एंड मई में 51। तो इस तरीके से आपके पास ये सिंगल चार्ट आ गया है। अब लेट सपोज आप चाहते हैं इसमें एक और चार्ट को रिप्रेजेंट करना, लेट सपोज आप ईयर वाइज ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये वाला जो था ये ईयर 2020 के लिए हो गया, आप चाहते हैं 2019 के लिए भी ये चीज़ को रिप्रेजेंट करना, तो वो हम कैसे करेंगे।
उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए फंक्शन डॉट जावा पर ही जाएंगे, हमें एक और यहाँ पर क्रिएट करना होगा रेफरेंस वेरिएबल। अब हम यहाँ पर किसी और नाम से रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं, लेट सपोज C1। तो अब ये जो सारा डेटा जाएगा वो C1 रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू जाएगा। अब आपको शायद डिफरेंस समझ में भी आया हो कि मैंने ये लाइन फिर से यहाँ पर क्यों लिखी थी। अब यहाँ पर हम जनवरी का, अब यहाँ पर बस डेटा फॉर्म चेंज कर देते हैं, 45, 30, 125, 500, 511, lc.getData@all c1। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये C के लिए हमारे पास अलग ग्राफ आएगा और C1 के लिए हमारे पास अलग ग्राफ आएगा। इसको मैं करती हूँ एग्जीक्यूट। देखिए मेरे पास एक तो आ गया मेरे पास ग्राफ येलो कलर में और एक आ गया है ऑरेंज कलर में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ग्राफ्स को बना सकते हैं इन अ सिंगल एक्सपायर चार्ट ग्राफ। ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन पर कोई मेन्यू लगाना है, जैसे कि हमारे पास होते हैं जनरली फाइल, एडिट, प्रॉपर्टीज करके एक मेन्यू बना होता है, तो अगर आपको ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है अपनी एप्लीकेशन पर और आप यूज़ करना चाहते हैं जावा एफएक्स का, सो आप उसका यूज़ कैसे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर मेन्यू नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, जावा एफएक्स प्रोजेक्ट। इसमें एप्लीकेशन फोल्डर में मैंने क्रिएट की है फंक्शन डॉट जावा क्लास एंड ऐप डॉट fxml। ये कैसे क्रिएट करनी है ये इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने सभी वीडियोस में डिस्कस किया है, बट यहाँ पर मैंने इसको स्किप कर दिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये फाइल्स कैसे क्रिएट होनी है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कुछ भी तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मेन डॉट जावा में सेम चेंजेस हम लोग इस लाइन में करते आ रहे थे, बाकी सब सेम है बट इस लाइन में जो भी चेंज होगा वो होगा, और ये मैंने पुराने वाली फाइल से ही कॉपी किया है, एज इट इज़ चेंजेस हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हम ऐप डॉट एफ एक्स एम एल को में इसको मैंने ओपन किया है यहाँ पर यूजिंग सीन बिल्डर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं मेन्यू का। मेन्यू का क्या मीनिंग है, जैसे कि ये देखिए हमारे पास ये जो पूरा बार आ रहा है ये क्या है, मेन्यू बार है पूरा, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब हमें मेन्यू बार को लगाना है अपने प्रोजेक्ट में तो हम लोग यहाँ पर एंकर पेन का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए एंकर पेन का बेसिक पर्पस क्या था यूज़ करने का, कि आपको कोई भी कंपोनेंट अगर यूज़ करना है तो आप उसको कहीं भी रख सकते थे, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, कहीं भी अपना कंपोनेंट रख सकते थे। बट अगर आप देखिए तो मेन्यू आइटम हमेशा कहाँ पर होता है, अपर साइड में आता है, अपर साइड में या फिर यहाँ पर ऐसे वर्टिकली आता है। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा कंपोनेंट होता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ एंकर पेन को, और कंटेनर्स में जाएंगे हम और यहाँ पर हमें मिलेगा बॉर्डर पेन। बॉर्डर पेन करके एक हमारे पास कंटेनर होता है, हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसकी प्रेफ वेट एंड प्रेफ हाइट आप अगेन चेंज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। मैं इसको एज इट इज़ रहने देती हूँ, जैसे कि एंकर पेन का साइज़ के अकॉर्डिंग है यहाँ पर ये। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे मेन्यू, तो कंट्रोलर्स में आप जाएंगे, कंट्रोल्स में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा MNOP दिस वन, मेन्यू बार। मेन्यू बार को आप ड्रैग कीजिए, ये देखिए आपके पास आ गया ना, पूरे सेक्शंस आ गए हैं यहाँ पर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। तो हमें जो अपना मेन्यू बार रखना है वो रखना है टॉप में, तो मैंने इसको ड्रैग करके कहाँ पर रखा, टॉप में। तो ये देखिए मेरे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू बार बन के आ गया है। इसको मैं अगर करती हूँ प्रीव्यू करके देखते हैं हम इसका, तो ये देखिए हमारे पास प्रीव्यू आ गया है। एंड इसके अलावा इसमें मेन्यू आइटम्स भी अवेलेबल हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये देखिए जैसे फाइल को मैंने क्लिक कर रही हूँ तो क्लोज मेरे पास आ रहा है, एडिट में डिलीट आ रहा है, हेल्प में अबाउट आ रहा है। तो पहले तो आप थोड़ी सी टर्म्स को समझिए, ये जो मैंने यहाँ पर लगाया है इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। फाइल के अंदर जो क्लोज का ऑप्शन आ रहा था, कंट्रोल पी करती हूँ, जैसे फाइल के अंदर क्लोज ये ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू आइटम। आप चाहें ये तो क्लोज तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आया है, आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आप अगर हायरार्की में जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पर देखिए हायरार्की में जाएंगे तो बॉर्डर पेन में हमारे पास एक मेन्यू बार है और उसमें ये सारे सेक्शंस थे जिसमें से हमने टॉप वाले में अपने मेन्यू बार को रखा है। अब आप इसको प्लस साइन को इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए हमारे पास मेन्यू, फाइल, एडिट एंड हेल्प, ये हमारे पास मेन्यू आ गए हैं।
ठीक है, ये इंडिविजुअल क्या कहलाते हैं, मेन्यू। पहले देखिए मैं बताती हूँ कि अगर आपको और कोई ऑप्शन इसमें ऐड करना है, जैसे कि फाइल एडिट हेल्प है, इसमें मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ व्यू। तो कैसे हम ऐड करेंगे, हम जाएंगे मेन्यू पर, मेन्यू पर अगर आप जाएंगे तो दिस वन मेन्यू करके एक ऑप्शन आ रहा है, इसको ड्रैग कीजिए और मेन्यू बार में रख लीजिए और ये आपके पास आ गया है एक और ऐड। ओके, इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, कि यहाँ पर ये एडिटेबल फॉर्म में है, मैंने इसका नाम रखा व्यू। ठीक है, तो अब देखिए कंट्रोल पी करती हूँ मैं, तो ये मेरे पास व्यू भी एक यहाँ पर मेन्यू बन के आ गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, मेन्यू आइटम अब हमें ऐड करने हैं। मेन्यू आइटम मीन्स जैसे कि फाइल में क्लोज था हमारे पास, एडिट में हमारे पास डिलीट आ रहा था, हेल्प में अबाउट आ रहा था, ऐसे मैं चाहती हूँ व्यू में भी एक ऑप्शन आ जाए, लेट सपोज प्रीव्यू का एक ऑप्शन आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड करना होगा मेन्यू आइटम। तो मेन्यू यहाँ पर जो मेन्यू आपके पास लिस्ट आ रही है, इसमें मेन्यू आइटम का ऑप्शन है, इसमें मेन्यू आइटम को ड्रैग कीजिए और हमें कहाँ रखना है, व्यू में, इसको जाके व्यू में रख दीजिए। तो मेन्यू व्यू में मैंने इसका नाम रखना है प्रीव्यू, लेट सपोज कंट्रोल पी करती हूँ, तो ये देखिए व्यू में भी एक मेरे पास मेन्यू आइटम आ गया है। अब जैसे मान लीजिए फाइल में चाहती हूँ, क्लोज का ऑप्शन आ रहा है सिर्फ, इसमें मैं कुछ और ऑप्शन ऐड करती हूँ, क्रिएट न्यू फाइल एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट करके हम कुछ ऑप्शन इसमें ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए मेन्यू आइटम को ड्रैग कीजिए और इसको कहाँ लेके जाना है, हमें फाइल मेन्यू में इसको ऐड करना है, तो यहीं पर इसको रख दीजिए और इसका नाम एडिट करके हमने रखा क्रिएट न्यू फाइल। एंड एक और हम लोग ऐड करते हैं मेन्यू आइटम, यहाँ पर इसका नाम लेट सपोज मैंने रखा क्रिएट प्रोजेक्ट। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल पी करती हूँ, तो ये देखिए फाइल पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास और भी मेन्यू आइटम आ गए हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ कि हमें मेन्यू बार में मेन्यूज़ कैसे ऐड करने हैं एंड इसके अलावा मेन्यूज़ में मेन्यू आइटम कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कि देखिए जैसे कि यहाँ पर भी हमारे पास एक मेन्यू बना है, तो फाइल में हमारे पास ओपन रिसेंट में भी पर्टिकुलर और मेन्यूज आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, मुझे फाइल मेन्यू में एक और मेन्यू ऐड करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मेन्यू को ड्रैग करके लेके आऊँगी और कहाँ रखूँगी, मेन्यू फाइल के अंदर। तो ये देखिए मेरे पास मेन्यू करके ऑप्शन आ गया है, लेट सपोज इसका नाम मैंने रखा लैंग्वेजेस करके, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ लैंग्वेजेस आया है तो लैंग्वेजेस मैंने रख लिया है। कंट्रोल पी करती हूँ, देखिए फाइल में जाएंगे तो लैंग्वेजेस करके ये हमारे पास एक अलग मेन्यू बन गया है। ऐसे ही अब आप क्या कर सकते हैं, इस मेन्यू में भी मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ, मेन्यू आइटम मुझे ऐड करना है किसमें, लैंग्वेज मेन्यू में। तो मैंने इसको ड्रैग करके मेन्यू किस में रखा, मेन्यू लैंग्वेज में रखा है। ठीक है, इसका नाम मैंने लेट सपोज रखा जावा और एक जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था एक्शन वन करके, इसका नाम मैंने रख दिया पाइथन। इसको कंट्रोल पी किया, अब देखिए फाइल में जाएंगे लैंग्वेजेस में जाएंगे तो हमारे पास लैंग्वेज एक अलग से हमारे पास मेन्यू बन गया है। तो आपको क्लियर हुआ कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेन्यू बार, मेन्यू एंड मेन्यू आइटम, इन तीनों चीज़ों का खेल है। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं क्लिक करूँ क्लोज पर तो मेरे पास इसी पेन पर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए, लेट सपोज हेलो का। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स इनिशियलाइजेबल मैंने लिख लिया है, यहाँ पर अब मैं एक फंक्शन बनाऊँगी पब्लिक वॉइड लेट सपोज शो एक्शन इवेंट ई, और मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास लेबल पर एक डेटा सेट हो जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा एक लेबल लगाना पड़ेगा, सबसे पहले तो लेबल हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा एट द रेट fxml प्राइवेट लेबल l। यहाँ पर एक मैंने लेबल ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्लोज ऑप्शन का या फिर जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो करवा सकते हैं। इसमें मैं लिखूँगी l डॉट सेट टेक्स्ट, क्या हमें लेट सपोज प्रिंट करवाना है क्लोज्ड। कंट्रोल एस किया हमने, अब हम जाएंगे कहाँ पर, ऐप डॉट एफ एक्स एम एल में इसको क्लोज करते हैं क्योंकि हमें चूज़ करनी है कंट्रोलर क्लास। इसको फिर से ओपन करेंगे विद द सीन बिल्डर, कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर क्लास में कंट्रोलर क्लास को चूज़ किया। इसके अलावा हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो लेबल था उसको हमने अभी एफ एक्स आई डी नहीं दी है, उसकी एफ एक्स आई डी फिक्स करते हैं, एल मैंने लिया था।
एंड इसके अलावा मेन्यू बार में मैंने जो फंक्शन लगाया है वो किस पर लगाया है, क्लोज मेन्यू आइटम पे। तो इसको चूज़ करके यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा फंक्शन है, शो फंक्शन है। और इसको लेट सपोज हमने एफएक्स आईडी दी एम, कंट्रोल एस करते हैं। इसके अलावा एक्लिप्स आईडी में भी फंक्शन डॉट जावा में हमें एम को मेंशन करना होगा। हम लोग लिखेंगे एट द रेट एफएक्सएमएल प्राइवेट मेन्यू आइटम एम, इसको इंपोर्ट कर देते हैं मेन्यू आइटम को सीन बिल्डर से। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एफ 11 किया, फाइल में जाएंगे, क्लोज पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए मेरे पास लेबल सेट हो गया है क्लोज्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन में मेन्यू आइटम, मेन्यू बार्स, मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करें। गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा?